सिरसा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। ऊर्जा मंत्री का इस वक्त बड़ा बयान आया है। ऊर्जा विभाग से जुड़े हुए सभी कर्मचारी और अधिकारियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटा जा रहा है। एहतियातन ये कदम हम देख रहे हैं हर विभाग उठा रहा है और एक महीने के लिए कैश काउंटर बंद कर दिया गया है। रणजीत सिंह ऊर्जा मंत्री है, बड़ा बयान उनका सामने आया है। कोरोना को लेकर ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह का बड़ा बयान, बिजली विभाग कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर दिया जा रहा है, एक महीने के लिए कैश काउंटर भी बंद कर दिया गया है। क्योंकि कैश, जब आप गड्डी देते हैं नोटों की किसी को या फिर कैश देते हैं तो आप उस पर हाथ लगाते हैं और कहीं ये संक्रमण बढ़ ना जाए, संक्रमण ना फैल जाए, इसी के चलते कैश काउंटर को बंद कर दिया गया है और बड़ा बयान इस वक्त सामने आया है। और एहतियातन हम देख रहे हैं हर विभाग में कदम उठाए जा रहे हैं और एक और कदम ये उठाया गया है चौधरी रणजीत सिंह की ओर से। ऊर्जा मंत्री हैं प्रदेश के और सभी को सैनिटाइजर बांटे जाएंगे, मास्क दिया जाएगा, बेहद जरूरी है ऐसे समय में जब 724 संख्या हो चुकी है। सरकार अपने अंडर काम करने वाले हर एक कर्मचारी का ध्यान रख रही है और लगातार लोगों को भी जागरूक कर रही है और उसी कवायद में ऊर्जा मंत्री ने यह बड़ा बयान दिया है कि ऊर्जा मंत्रालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी, छोटे से छोटा कर्मचारी और अधिकारी, सभी को मास्क दिए जाएंगे, सैनिटाइजर दिया जा रहा है क्योंकि ऐसे वक्त में वो अपने काम पर लगे हुए हैं। कोरोना के चलते हमने सभी, क्योंकि बिजली विभाग बड़ा अहम विभाग है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारे सभी कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइजर ये हम उपलब्ध करवा रहे हैं और उसके बाद सब जगह वो मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं कि कभी भी कहीं ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। और तब से जब से चला मैं समझता हूँ बहुत मुस्तैदी से काम हो रहा है और बिजली विभाग में हमने खास करके, क्योंकि जो हालात है इस करके एक महीने हमने कैश काउंटर बंद कर दिए हैं और लोगों को ये कहा गया कि एक महीने तक जो बिजली का बिल होगा उस पर कोई सरचार्ज नहीं, वो माफ़ कर दिया गया है, लोग इसके बाद बिल भरते हैं। डिजिटल जो पेमेंट कर रहे हैं उन्हें हम 1000 रुपये तक के बिल के ऊपर 2% उसमें जो है हम विशेष छूट दे रहे हैं। तो ऊर्जा मंत्री को आपने सुना, अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, विभाग से जुड़े हुए अधिकारी या कर्मचारी डिजिटल पेमेंट करेंगे तो उन्हें छूट दी जाएगी। इसी के साथ में उन सभी को मास्क बांटे जा रहे हैं, सैनिटाइजर बांटे जा रहे हैं और बहुत जरूरी है ऐसे वक्त में वो अपनी ड्यूटी पर जुटे हुए हैं क्योंकि आपके और हमारे घर की रोशनी गुल ना हो, इसीलिए ऊर्जा मंत्रालय के सभी कर्मचारी अधिकारी कामकाज में लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, वो भी एहतियातन सभी कदम उठाएं। इसीलिए अब ये बड़ा कदम उठाया गया है कि विभाग के अंडर आने वाले सभी कर्मचारी और अधिकारियों को ये एहतियातन मास्क और सैनिटाइजर बांटे जाएंगे, 2% से ज्यादा की छूट मिल सकती है अगर आप डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट अपनाते हैं। डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट इस वक्त बेहद जरूरी है क्योंकि वो वायरस कहीं नोट के जरिए आप तक ना पहुंच जाए। इसीलिए सतनाम हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सतनाम, एक अच्छी पहल है कि सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को मास्क बांटे जाए और कैश काउंटर को बंद कर दिया गया है, डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट अलाउ कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जो जेल मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं रंजीत सिंह, उन्होंने भी बताया है कि विभाग की तरफ से जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको सैनिटाइजर और मास्क भी बांटे गए हैं, एहतियात से काम करने को उनको कहा गया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जिन लोगों की पेमेंट बाकी है, जिनके बिल हैं और बिल भरने हैं, वो ऑनलाइन पेमेंट करें और कैश काउंटर जो है वो बंद कर दिए गए हैं और इसमें एक महीने की उनको छूट भी मिलेगी और जो भी ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उसमें उनको 2% की छूट भी मिल जाएगी, यानी रिवॉर्ड मिलेगा उनको 2% का। तो जाहिर तौर पर एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से, क्योंकि लॉकडाउन है तो जाहिर तौर पर ऑफिस बंद है, तो इसको लेकर जो ऑनलाइन पेमेंट करेंगे उनके लिए भी फायदा है। जी हम देख रहे हैं कि प्रदेश की जो सरकार है वो पहले ही पहल करती रही है। यही चौधरी रणजीत सिंह थे जिन्होंने कहा था कि जो बच्चा, जिस बच्चे के घर वाले बिल नहीं पे करेंगे वो एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा उनको। अब ऐसे में तो और बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है क्योंकि हर कोई ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट नहीं अपना रहा है, गाँव भी है, शहर भी है, हर किसी को नहीं पता। अब अगर कैश काउंटर बंद कर दिया गया है, क्या पहले ही लोगों को जागरूक कर दिया गया है कि अब आप मोड ऑफ पेमेंट बदलिए, अपना वहीं से आप पेमेंट कर पाएंगे? देखिए अभी उनका कहना है कि जो लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं वो ऑनलाइन पेमेंट करें, उसमें उनको रिवार्ड दिया जाएगा, लेकिन जो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाएंगे उनको आगे समय दिया जाएगा।
कि वो भी पेमेंट कर सके। तो इसमें कंपलसरी नहीं है, केवल ऑनलाइन पेमेंट जो कर सकते हैं जिनके बिल है, क्योंकि कुछ दिन पहले लॉकडाउन से पहले ही भी कुछ लोगों ने ऑनलाइन कैश जाकर ऑनलाइन काउंटर कैश काउंटर खोले हुए थे और लोगों ने अपने बिल भरे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद जिस तरह की स्थिति है कि कैश काउंटर बंद कर दिए गए हैं, तो इसको लेकर ही उन्होंने कहा कि जो लोग जिनके बिल है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और जो पेमेंट नहीं कर सकते हैं जिनके बिल हैं उनको एक महीने का समय दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।